नमस्ते एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है दिस इज डॉक्टर अमित अर्शन मेहता पहले तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे यही माँ लक्ष्मी माँ को कुबेर जी से प्रार्थना और आपका आशीर्वाद आज का जो विषय है दैट इज़ रिलेटेड टू वास्तु वास्तु में मैंने बहुत लोगों के घर पर देखा है आई विल एक्चुअली मेक द वीडियोज़ इन टू लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड इन हिंदी बोथ तो पहले हिंदी में मैं इसको समझाऊँगा आपको तो एलिफेंट जो है इस तरह का एलिफेंट जो है आपके घर पर हो सकता है बहुत सारे वास्तुशास्त्री को मैंने देखा है मैनी आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो बट एक्चुअली दे डोंट एडमायर द सिंपल थिंग इस तरह के हाथी अगर घर में रखते हैं आप तो एक्चुअली घर में संभावना है कि आपके घर में क्लेश हो झगड़े हो आपके रिलेशनशिप बाहर वालों के साथ बिगड़ सकते हैं पार्टनर्स के साथ बिगड़ सकते हैं बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ एलिफेंट वॉज यूज इन द वॉल फील्ड मतलब जहाँ पे युद्ध होते थे बड़े बड़े वहाँ पे राजा जो होते थे वो एलिफेंट लेके जाते थे युद्ध में तो इस तरह के एलिफेंट एक्चुअली यूज़ करते थे और जो गजलक्ष्मी है वो तो गजलक्ष्मी आप सोचेंगे ये तो गजलक्ष्मी का वाहन है इस तरह से ये कैसा हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है पर आपको समझाना चाहता हूँ कि गजलक्ष्मी जो होती है जब आप उनका फ़ोटो देखेंगे तो गजलक्ष्मी में वहाँ पे जो एलिफेंट दिखाया जाता है दैट इज़ विद द पॉट और वो पॉट में से वो एक्चुअली धन बरसाते हैं यहाँ पे ये एलिफेंट एक्चुअली कोई धन नहीं बरसा रहा है तो इट सीम्स लाइक एक्चुअली कि ये वॉरफील्ड में जा रहा है जबी भी हाथी सूंड ऊपर करता है तो गुस्से में ऊपर करता है तो इस तरह से ये जो एलिफेंट है इस शेप का आपके घर पे रहना ही एक बड़ी समस्या हो सकती है पर इसका एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑन दिस धनतेरस डे कि इस तरह की छोटी माला आपको मार्केट में मिल जाएगी या फिर आप घर पे भी आपके हाथों से बना सकते हैं तो इस तरह की माला जो है ये जो एलिफेंट है इन इनकी जो सूंड है उसमें डाल दीजिए तो इस तरह से प्रतीत होगा कि एलिफेंट माला लेके किसी भगवान के पास जा रहा है उनको माला पहनाने के लिए इस तरह से माला आप उनके सूंड में डाल दीजिए तो आपका जो वास्तु दोष है वो एटी 90 परसेंट तक मिनिमाइज हो जाएगा यह बहुत ही सिंपल रेमेडी है बट बहुत ही कारगर है आपके घर में लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं और इस तरह के एलिफेंट घर में है तो समझ लेना ये लड़ाई झगड़े इस वजह से ही हो रहे हैं मैक्सिमम। नाउ आई विल मेक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश सी दिस काइंड ऑफ ऑफ एलिफेंट यू विल फाइंड एट टू प्लेसेस इन द वॉल फील्ड एंड इफ यू विल सी द गज लक्ष्मी यू विल सी द ग्ज लक्ष्मी तो Actually, in the Gajalakshmi photo, the Gajam is the elephant. He is holding a pot, a wealth pot, and from that pot, the wealth is flowing out. So, that is different the symbol of elephant. That is called the Gajalakshmi. And this elephant looks like it is going to a war field. So many kings before were using the elephants uh, while having the war. So this kind of a elephant can create the disharmony in your home, at your workplace, with your partners if you have placed this kind of a, this kind of a elephant at your home. So a very simple remedy I will give you that, this kind of a mala, you can make it at your home, or if available at the puja shop, you can purchase it directly. And just you have to do one thing take this kind of a mala, small mala, the garland, and actually make the elephant to hold the mala. So it seems like the elephant is going somewhere to worship some god or the goddesses. So, it will minimize the most of the negative effect of this kind of a statue that is the elephant statue that is at your home. So, this is the very simplest remedy. Just by using your logic, the Vastu Dosha can be, many Vastu Dosha can be minimized. Or can be removed from your home. Vastu doshas. No need to actually discard the elephant itself. So do this simple remedy and make your life prosperous, healthier. Thank you very much. Jai Matadi.